हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ हरितालिका तेज मेकअप लुक, जो कि मरून साड़ी के साथ मैंने ये लुक को क्रिएट किया है। तो अगर आपको देखना है ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया था, पूरी वीडियो जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो सबसे पहले स्किन प्रेप मस्ट है, कोई भी मेकअप लुक आप करिए स्किन केयर करना जरूरी है, स्किन को प्रेप करना जरूरी है। मेरी ड्राई स्किन है इसलिए मैंने थोड़ा सा फेशियल ऑयल अप्लाई किया है, देन मैं मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई कर रही। तो आपके पास जो भी प्रोडक्ट है आप उस प्रोडक्ट से अपना मेकअप लुक क्रिएट कर सकती हैं। तो मॉइस्चराइजर लगाने के बाद प्राइमर लगाना होता है, तो यहाँ क्रीम बेस्ड प्राइमर मैं अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेकअप लॉन्ग लास्ट करे और जो भी ओपन पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाए। कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ मैं, ऑरेंज कलर करेक्टर हल्का सा, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल की पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, उस पर मैंने लगाया है। देन मिलानी का फाउंडेशन लगा लिया है, उसको सबसे पहले ब्रश से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि जब जल्दी होती है तो ये ट्रिक अपनाना चाहिए, सबसे पहले ब्रश से ब्लेंड करिए, थोड़ा मैसी सा ब्लेंड हो जाएगा, जैसा भी होगा आप ब्रश से कर लीजिए। इसके बाद इसको फिनिशिंग लुक देने के लिए डैम ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए, सब कुछ डैब डैब कर दीजिए तो बहुत ही नेचुरल फिनिशिंग आ जाएगी, बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाएगा सब कुछ। देन कंसीलर लगाया है अंडर आई एरिया माउथ एरिया, देन इसको भी ब्लेंड कर लिया। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, अच्छे से टाइम देके ब्लेंड करोगे तभी मेकअप बेस अच्छा बनेगा। देन मैंने ये क्रीम ब्लश लगाया है, इसको भी ब्लेंड कर लिया। सबसे पहले क्रीम प्रोडक्ट देन पाउडर प्रोडक्ट करना होता है। देन मैंने लूज पाउडर से सेट किया है, हल्का सा अप्लाई किया है, ब्राउज को फिल किया है, देन एक पुली की हेल्प से कॉम करके सेट कर लेंगे। पुली की हेल्प से कॉम करने से जो भी प्रोडक्ट होता है वो ब्लेंड हो जाता है और एकदम अच्छे से सेट हो जाता है। इसके बाद जो पाउडर अप्लाई किया उस एक्सेस पाउडर को निकाल देंगे, और निकालने के बाद अब आई मेकअप पे चलते हैं। सबसे पहले ये लाइट ब्राउन कलर लेके क्रीज पे ब्लेंड किया है, हल्का सा लोअर लेस लाइन के क्लोज क्लोज सेम कलर को ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद अब मैं ये मरून कलर ले रही हूँ और इसको मैं आउटर वी पे हल्का सा अप्लाई करके अंदर के साइड ब्लेंड करूँगी। तो बहुत थोड़ा थोड़ा कलर लेके बिल्डअप करना है, एक साथ बहुत ज़्यादा कलर नहीं लेना होता है। हल्का सा इसको डेप्थ देने के लिए ब्लैक कलर भी मैंने पिक करके यहाँ आउटर वी पे अप्लाई किया, इसको भी अंदर के साइड ब्लेंड किया है। ब्लेंड करने के बाद इनर आईलिड के लिए मैं ये सिल्वर सिमरी कलर ले रही हूँ, सिल्वर नहीं है गोल्ड सिमरी कलर, इसको अप्लाई किया फिंगर से। देन हल्का सा ग्रीन सिमरी कलर लेके मिड में अप्लाई करूँगी, क्योंकि साड़ी ब्लाउज ग्रीन है तो थोड़ा सा इस तरह से मैं ग्रीन कलर का इफेक्ट दे रही है। जिसको ब्लेंड किया है और ये जो साइड में जिस दिख रहे हैं इनको क्लीन करने के लिए मैंने कंसीलर लगा के ब्लेंड कर दिया है। लोअर लेस लाइन के क्लोज क्लोज मरून कलर को ब्लेंड किया है अच्छे से। देन लाइनर लगाया, उसकी क्लिप मिस हो गई, मस्कारा से अपर एंड लोअर लेसेस को कोट कर लूँगी, देन फेक आई लेसेस लगाऊंगी। तो फेक आई लेसेस लगाने के बाद आंखों का लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है, कैंसी कितना सुंदर लग रहा है। इसके बाद पाउडर कंटूरिंग करूंगी फेस की, ताकि फेस थोड़ी सी स्लिम और शेप में दिखे और डबल चिन की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक हाइड हो, क्योंकि कंटूरिंग कर से हमारे फेस में एक अच्छा सा डायमेंशन आ जाता है। तो कंटूरिंग तो मैं करती हूँ, आप चाहे तो स्किप भी कर सकती हैं। देन ब्लश अप्लाई किया, पिंकिस ब्लश लेके थोड़ी सी क्वान्टिटी में चिक बोन्स पे और नोज टिप पे चिन पे हल्का सा अप्लाई कर लिया है। देन हाईलाइटर ये बलम कॉस्मेटिक का लेके अपने फेस के हाई पॉइंट पे हाईलाइटर अप्लाई करूँगी। हाईलाइटर लगाने से थोड़ा सा ग्लोई एंड डूई सा लुक देता है, तो हाईलाइटर तो लगाना ही चाहिए। इसके बाद लिप लाइनर से आउटलाइन कर लिया, मरून लिपस्टिक लगाऊंगी मैं। लिप लाइनर से पहले लिप्स की आउटलाइन करूँगी, देन मामा अर्थ की ये मरून लिपस्टिक है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है, थोड़ी सी पैच पैच लग रही थी तो मुझे तो पसंद नहीं आई ये वाली लिपस्टिक, मैंने ये लगा दिया। देन पूरे फेस पे मेकअप सेटिंग स्प्रे कर लिया है और उसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब कर दिया ताकि मेकअप अभी तक जितना हुआ सेट हो जाए। देन मैंने साड़ी पहन लिया, ये पोनी में सी पोनी टेल बनाया है, जूली पहन लिया, तो आप इसमें बन बना सकते हैं, गजरा लगा सकते हैं, मांगटी का लगा सकती हैं, नथ पहन सकती है, जूली आप अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं और हेयर स्टाइल अपने अकॉर्डिंग रख सकती हैं। बाकी मेकअप हरितालिका तीज के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट है, तो आप इस लुक को ज़रूर ट्राई करिएगा इस हरितालिका तीज। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करके जरूर जाइएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।